मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर इस वक्त की खबर आजमगढ़ से। खबर आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के यादव बाजार से है, जहां शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में अवैध नर्सिंग होम का खुलासा हुआ। मौके पर दो मरीज पेन के मिले। अवैध रूप से कराया जा रहा था प्रसव। कुछ दिनों पहले समाज सेवी लक्ष्मी चौबे ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए भ्रूण हत्या का किया था खुलासा, जहां अवैध नर्सिंग होम की संचालिका राधिका ने बताया था कि 10,000 रुपए लेकर आइए, 3 से 4 महीने का बच्चा हम गिरा देंगे, जिसका वीडियो समाज सेवी के पास आज भी मौजूद है। लेकिन आजमगढ़ के सीएमओ महोदय वीडियो पर न कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि हम रंगे हाथ पकड़ेंगे तब जाकर कुछ कार्रवाई करेंगे। और बीते दिनों शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के यादव बाजार में स्थित अवैध नर्सिंग होम पर पहुंची, जहां रंगे हाथ पकड़ी गई अवैध नर्सिंग होम संचालिका और जांच टीम ने बताया कि 2 मरीज मिले हैं। और डिप्टी सीएमओ ने बताया कि मरीजों को पीएचसी मिर्जापुर भिजवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और डिप्टी सीएमओ ने कहा कि संचालिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी निर्देश दिया गया है, लेकिन उनका निर्देश अभी हवा हवाई दिखाई दे रहा है। फूलपुर कोतवाली पर जब पता किया गया तो अभी इस तरह का कोई तहरीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं पड़ी हुई है, जिससे समाज सेवी लक्ष्मी चौबे काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग सरकार को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जहां मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर स्वास्थ्य विभाग थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से जिले में धड़ल्ले से हो रहे भ्रूण हत्या का खेल समाज सेवी ने बताया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अवैध नर्सिंग होम संचालिका के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आजमगढ़ जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर सीएमओ कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आजमगढ़ के सीएमओ की होगी। आइए देखिए समाज सेवी लक्ष्मी चौबे ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय बताइए। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। क्या मामला? मामला ये है कि एक बाजार है यादव बाजार लाहीडीहा के पास, यानी निजामबाद तहसील में पड़ता है, फूलपुर कोतवाली के अंतर्गत। वहाँ हम जो है कुछ दिन पहले जो है करीब यानी 2 महीना लगभग हो गया, वहाँ रिक्स लेकर के भ्रूण हत्या का खुलासा किए, जिसमें यानी डीएम साहब को सीएमओ साहब को सबको जो है पत्रक डाला गया, लेकिन अभी तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई। बीच में अभी शनिवार को आज के 4 दिन पहले वहाँ जो है जांच में गए थे, जांच में जो कि 2 वहाँ मरीज भी मिले, जो कि उसका अस्पताल जो चला रही है वह उसके पास ना तो डिग्री है ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं है। वहाँ मरीज पाने के बाद भी यहाँ के सीएमओ साहब और डिप्टी सीएमओ साहब ये लोग कुछ कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। शनिवार को, यही शनिवार पीछे अभी 4 दिन हुआ है, आज के आज है 4th दिन है, 4 दिन से हिल्ला हवाली खाली कर रहे हैं कि कार्यवाही होगी, कार्यवाही कब करेंगे, कार्यवाही जल्द से जल्द करें, नहीं तो फिर जान लीजिए कि अगले सोमवार तक अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो है चाहती है कि यानी कन्याओं का के लिए जो है यानी सुविधा प्रदान कर रही है, हर तरह की सुविधा दे रही है, यानी सरकार चाह रही है कि भ्रूण हत्या वगैरह बंद हो, लेकिन ये लोग जो है पैसे के चक्कर में यानी मिलजुल करके लोग पैसे के चक्कर में 10,000-12,000 रुपया 3 महीने का बच्चा होता है तब तक जो है गिरवा देते हैं, वहाँ पैसा लेकर के गिरा देते हैं। तो ऐसा क्रम चल रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। और सरकार जो है सरकार इतनी अच्छी चल रही है जिसका कोई वही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग जो अधिकारीगण हैं खाली सरकार को बदनाम करने के चक्कर में है। अगर यही हालत रही तो सरकार पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। आप भूख हड़ताल बैठेंगे, कहीं पत्रक दिए हैं? अभी पोर्टल पे डाल दिया गया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया गया है, वह जाएगा और बीच में हम यानी पत्रक देंगे डीएम साहब को।